बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे योर टॉपिक EIGRP एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। EIGRP इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली थियोरेटिकल अबाउट द EIGRP। सो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर we will perform some practical about the EGRP protocol. So starts. EGRP is a hybrid protocol. It has advantages of both link state and distance vector protocol. It sends partial or a full updates only when something is changed in the network. So if we are talking about the EGRP protocol, so keep in our mind it is a hybrid protocol, mean it has combines the best advantages of the both protocol, which are link state and distance vector protocols, and sometime it sends the partially or sometime it sends the full updates whenever something is occurs in the change of the network. So whenever change occur in the topology, change occur in the link, सो इट सेंड्स द अपडेट्स। अगर हम बात करते हैं EGRP की, ये हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। इसमें लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटर प्रोटोकॉल दोनों की बेहतरीन क्वालिटीज शामिल हैं। ये कभी कंप्लीट अपडेट सेंड करेगा और कभी पार्शली मीन जुजवी अपडेट सेंड करता है। जब कोई चेंज आता है नेटवर्क में, कोई टोपोलॉजी ऐड होती है, कोई इंटरफेस ऐड होता है, it maintains three tables as follows. So three tables are maintained by the EGRP, which are neighbor tables, topology table, and routing table. So we want to know the function, the purpose of this table. So let's see. Neighbor table. EIGRP shares routing information only with neighbors. So it exchange राउटिंग अपडेट्स ओनली विथ नाइबर्स। ये अपने नाइबर्स के साथ क्या करते हैं, अपने अपडेट्स को शेयर करता है या एक्सचेंज करता है। टू नो हु द नाइबर्स आर, इट यूजेस नाइबर टेबल। कौन इनके नाइबर्स है, ये यूज करता है इसके लिए क्या, नाइबर टेबल। व्हेन ए न्यू नाइबर इज डिस्कवर्ड, EIGRP वुड एड इट्स एड्रेस एंड इंटरफेस on which neighbor is connected in the neighbor table. जब भी कोई नया neighbors discover होता है, ये क्या करते हैं, ये neighbor table में से उनका address और उसका और जिस interface पर ये neighbor इनके साथ connected है, वो अपने साथ neighbor table में include कर देता है, डाल देता है। EIGRP uses separate neighbor table for each routed protocols. सो और राउटेड प्रोटोकॉल के लिए क्या करेगा, ये एक इंडिविजुअली ही नाइबर टेबल मेंटेन करता है। सो सेपरेट टेबल्स आर मेंटेन फॉर द ईच राउटेड प्रोटोकॉल बाय यूजिंग द EIGRP। नेक्स्ट क्या है, टोपोलॉजी टेबल। EIGRP यूजेस दिस टेबल टू स्टोर ऑल राउट्स व्हिच आर लर्न फ्रॉम नाइबर्स। सो ये क्या करेगा, ये नाइबर से जो अपडेट्स आ जाते हैं, इसमें जितने भी राउट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में मेंटेन करता है। इन नाइबर जब इनको इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, राउटेड इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या अपडेट्स टेबल सेंड करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, जो राउट्स होते हैं इनकी इंफॉर्मेशन इसमें रखता है। इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशंस इन राउट्स एडवर्टाइज्ड बाय नाइबर्स नाइबरिंग राउटर्स। जितने भी इनके नाइबर राउटर्स होते हैं, इन जो इंफॉर्मेशन इनको सेंड की होती है, उनमें से क्या करता है, डेस्टिनेशंस को और राउट्स को अपने पास इस टेबल में रखता है। EIGRP सेलेक्ट्स ए सिंगल बेस्ट राउट फॉर ईच डेस्टिनेशन फ्रॉम दिस लिस्ट। अब इनके पास मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं डेस्टिनेशंस के, एक राउट के इनके पास क्या हो सकते हैं, सपोज देखो इधर एक डायग्राम अगर ड्रा कर देते हैं, सपोज ये डायग्राम है वर्स, ये है और ये है, एक दो
और तीन राइट, सपोज ये डेस्टिनेशन है। सो ये रोटर वन हो गया, ये रोटर टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया और ये फाइव है। अब वन से लेकर फाइव तक क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन की बातें आ रही है। ये क्या करेगा ये, सो ई ए जे आर पी सेलेक्ट्स ए सिंगल बेस्ट राउट फॉर ईच डेस्टिनेशन फ्रॉम दिस लिस्ट। अब इस से लेकर सपोज फाइव पाथ्स आर अवेलेबल फॉर रूटर फाइव, सो इट्स मीन इट्स अ डेस्टिनेशन इन रूटर वन कैन सेंड डेटा टू रूटर फाइव बाई यूजिंग दीज थ्री पाथ्स। सो नो इट विल सेलेक्ट द बेस्ट पाथ फ्रॉम दिस वन। इसमें से क्या करेगा, इस लिस्ट में से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेगा और that route goes in the routing table and it transfers, it moves that best part in the separate table which is called a routing table. Routing table में उस best part को क्या करेगा, move कर देगा। Suppose we assume it's the best path, right? All these three paths are stored in this table. इस table में ये तीनों path store होंगे, लेकिन इसमें से जो best path है ये solution के बाद क्या होगा, नेक्स्ट राउटिंग टेबल में ट्रांसफर हो जाता है। रिमेनिंग राउट्स आर मार्क एज अ बैकअप राउट्स। सो ये जो है दिस वन एंड दिस वन, ये जो दो रह गए ना, दो पाथ रह गए, दीज इनको क्या कहेंगे, बैकअप राउट्स कहेंगे। और ये जो बेस्ट पाथ है दिस वन, ये इनसे निकल गया और इसको नाम देते क्या, सक्सेसर। सो ई आई जी आर पी रेफर्स selected route as a successor, so now it is the best path is called successor, and while backup routes as the feasible successor, remaining backup path are called feasible successor. So jo selected path hai wo kahan chala jayega, routing table mein chala jata hai aur usko kya kahenge, successor kahenge, aur jo baki remaining paths reh gaye isko naam denge kya, feasible successor, aur ye isi topology table mein rahenge. EIGRP uses several topology table for each routed protocols. और routed protocol के लिए क्या होगा, एक अलग topology table maintain होगा। Now we have routing table. EIGRP stores single best successor route for the each destination in this table. So actually this table contain the best path, the selected path which is called successor. सो इस टेबल में क्या होगा, वो जो पाथ जो सेलेक्ट की गई है ट्रांसमिशन के लिए वो यहाँ पर लिस्ट की जाती है, रखी जाती है। राउटर यूजेस दिस टेबल टू फॉरवर्ड द पैकेट। सो विद हेल्प ऑफ दिस राउट राउटर कैन ट्रांसमिट द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस। राउटर इस सक्सेसर पाथ की मदद से क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, पैकेट को ट्रांसमिट करता है। सो देर इज सेपरेट राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटेड प्रोटोकॉल्स। सो अगर हम बात करते हैं राउटिंग टेबल की, राउटिंग टेबल में देखो हमारे पास क्या होगा, सक्सेसर पाथ होगा, इनिशियलेटेड पाथ होगा, और ये जो टेबल है इसको फॉरवर्ड किया जाता है पैकेट्स के लिए, यानी पैकेट्स देखता है कि जी किस पाथ पर ट्रांसमिट होना है। तो ये जब इनके पास ये टेबल आ जाता है तो इन टेबल में जो सक्सेसर पाथ होगा इसमें पैकेट को ट्रांसमिट किया जाएगा। और हर दिस देर अ सेपरेट राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटेड प्रोटोकॉल, और जितने भी राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं इन सब के लिए एक अलहदा अलहदा राउटिंग टेबल मेंटेन किया जाता है। अब इनके हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, इट इज़ अ सिस्को प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी ये सिस्को का बनाया हुआ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है जी, ओपन सोर्स नहीं है। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द आई जी आर पी राउटिंग प्रोटोकॉल, सो ये आई जी आर पी के बेस पर बनाया गया है, जिस तरह आई जी आर पी अरिप की बेस पर था तो इसकी बेस पर क्या है, ई ए जी आर पी है। इट इज़ एन एनहेंस्ड वर्जन ऑफ आई जी आर पी। आई जी आर पी का क्या है, एनहेंस्ड वर्जन है, इम्प्रूव वर्जन है। इट इज़ अ हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, ये हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, यानी इसमें जो एडवांटेजेस है किसके हैं,
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग के एडवांटेजेस इसमें शामिल हैं। इट यूजेस ड्यूल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। सो बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए ये क्या यूज़ करता है, ड्यूल एल्गोरिथम यूज करता है। इट सपोर्ट्स आईपी बोथ आईपी वर्जन 4 एंड 6 HappleTalk एंड IPX रोटेड प्रोटोकॉल्स। सो ये बहुत से रोटेड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इट इंक्लूड्स सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन इन राउटिंग अपडेट्स। ये क्लासलेस प्रोटोकॉल्स हैं, यानी क्लासफुल नहीं है। सो मतलब क्या है कि जी इसमें इसके अपडेट्स में सबनेट मास्क हो सकते हैं, इसके अपडेट में सीडर हो सकते हैं, इसके अपडेट में AVLSM हो सकते हैं, इसके अपडेट में समराइजेशंस हो सकते हैं। तो समराइजेशंस, AVLSM, सबनेट मास्क, सीडर्स आर इंक्लूडेड इन द राउटिंग अपडेट्स। इट सपोर्ट्स लोड बैलेंसिंग अक्रॉस द 6 राउट्स फॉर ए सिंगल डेस्टिनेशंस। सो ये सिंगल जो डेस्टिनेशंस हमारे पास होता है, सपोज सोर्स डेस्टिनेशन अगर है और मल्टीपल पाथ जा रहे हैं, सिंगल पाथ नहीं है, मल्टीपल पाथ जा रहे हैं, सो ये अप टू 6 पाथ को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सो मीन इट इज़ सपोर्ट मल्टीपाथ को सपोर्ट करते हैं, और मल्टीपाथ पर लोड बैलेंसिंग भी हो सकती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक यू कैन कॉन्टेक्ट मी यूजिंग माई ईमेल आईडी, यूजिंग माई सेल नंबर। थैंक यू जी।